इलाका जोन नंबर 5 के मेन गेट के बिल्कुल सामने आजाद नगर पुतले घर जो कि जोन नंबर 5 के दफ्तर से महज 5 कदम की दूरी से सफाई कर्मचारियों के ऑफिस के बिल्कुल सामने हैं, जहां बीते 5 महीनों से सीवरेज बंद होने के कारण इलाका निवासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के पानी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा होने का खतरा बना रहता है। इस मौके पर इलाका निवासियों का कहना है कि इस संबंधी उन्होंने कई बार दफ्तर के संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी है, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और जब वे ऑफिस शिकायत के लिए जाते हैं तो कोई उनकी नहीं सुनता। इस संबंधी जब इलाके के काउंसलर राजकुमार जौली से बातचीत की गई तो उन्होंने इलाका निवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा। हाँ जी, की मुश्किल आ रही है? हाँ जी, मुश्किल छोटे छोटे बच्चे ने थे, नंगना मुश्किल सारे नु होया था, बड़िया वड्या नु सीवर बंद जे एदे विच इट्टां वट्टे टिके दे कढ़दे है नहीं है, छोटी मार के चले जांदे, कह छोटी मार के मर जी चल जांदे ने, ते विच कढ़न ते फेर ही निकलनी ने, फिर ओही इट्टां ते कढ़नियां चाहीदियां ने ना, फिर ओही हाल हुंदा। मैं ते जदों वी आउण उदों ही कहनी इट्टां कढ़न, इट्टां कढ़दे नहीं आ, बस इट्टां कढ़नगे ते फेर ही हाल हुंदा। 6 महीने तो 3-4 वी कहदे 6 महीने होए ने आहो कुछ, अपने कमिश्नर दे ध्यान च भी लिया। पिछली मीटिंग दे विच भी मैं कमिश्नर साहब नूं मिलिया, उन्होंने कहा भी इदां दा मेरा इलाका जिहड़ा टोटल घर जिहड़े ने मेरे इलाके दे विच आजाद नगर रणजीतपुरा जां गुरु नानकवाड़ा वो लोगों के अंदर फ्लशा भी भरिया पईआं और कई रसोई दे विच भी पानी चल गया, लेकिन इन्ना कुछ कहने के बावजूद भी हाली तक जी टाला मटोली चल रही है कारपोरेशन दे विच, जो कहते हैं जी सानू PWD वाले इजाजत नहीं दे रहे पुट्टन की। हुण गल है भी ये मसला जो उन्होंने खराब किया, इलाके वाले का कोई कसूर नहीं, लोग तो बेगुनाह ने ना, असी मतलब सीवरेज के नाल पानी इफेक्ट हो रहा, टोटल वार्ड के पानी भी गंदा सीवर का मिक्स हो गया रहा, और मैं कमिश्नर साहब नूं हफ्ता हो गया रैगुलर रोज़ फोन करता डेली भी ये जिदा मर्जी है मेरा ये मसला हल कराया जाए, क्योंकि ट्रैफिक इन्नी जरूरी नहीं लेकिन पीने वाला पानी जरूरी है। मैं यदि सीवरेज की कोई मुश्किल नहीं की, मैं नहीं कहना लोग चुप कर जाते कोई गल नहीं, लेकिन उत्थे पानी की जी समस्या वो ज़्यादा गंभीर होंगी जा रही है, और पिछले दिनों भी देखा मतलब उसे पानी के नाल कई बीमारियां हुई, कई मौत हो चुकी अमृतसर के। तो मैं फिर मैं अपील कराँगा कमिश्नर साहब नूं भी इहनूं जल्द तो जल्द ठीक कराया जाए, हो सकता मुड़ के सारे इलाके नाल लै के मैं GT रोड जाम करना पवे। मैं अंग्रेज करन डिया भी बीती मेरी तो होनी होनी नाल कारपोरेशन समुची कारपोरेशन और लीडरशिप की भी होनी है, मैं उन्होंने फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करदा भी यह जिहड़ा मसला जिहड़ा मैनूं मजबूर ना किया जाए, क्योंकि वह एवें कहंदे जी जौली धरना ला के बह जांदा, तो मेरे को हुण जे कोई चारा ना होएगा तो मैं धरना दे लाऊंगा, पर एक जिहड़ा धरना लगेगा ना वो पिछले धरने बहुत जोरदार लगेगा, क्योंकि लोगों की सेहत के नाल खिलवाड़ हो रहा। यो कहना चाहता भी हाथ जोड़ के बेनती करना भी करना साढ़े अपना शहर का भी कला नॉर्थ हल्के वाल ना ध्यान रखे, बाकी इलाके वोटा सारे लोगों ने पाया, कल नॉर्थ हल्के ने पाया, तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है भी इनू जरा सीरीयस लिया जाए और जल्दी तो जल्दी ये जरा सीवरेज की जी समस्या पूरे इलाके सर मामला ये 3-4 महीने हो गए हैं जदों की गली बनी है। मैं गली नंबर 3 आजाद नगर पुतली करता वे वसनीक है, ये साड़ी गली 3 महीने हो गए बहुत खराब है, इन्ना यदा बुरा हाल है, गटर का पानी उपर ओवरफ्लो हो जाता, इन्होंने चैंबर बनाए ने और पानी सारा ओवरफ्लो करता है, बो मारदा, इन्ना उत्थे मच्छर पैदा हो गया, लोग बीमार ने और बहुत ही बुरा हाल है, इन्ना बुरा हाल है। और बहुत बारी कौंसलर भी यही कह चुके हैं, बहुत बारी जा कारपोरेशन के ऑफिस जा चुके हैं, ऑफिस कारपोरेशन साड़ी कोई सुनवाई नहीं हैगी, कोई उत्थे बंदा नहीं आता, वो ताश खेलते रहेंगे ने, जुआ खेलते रहेंगे ने, कोई काम नहीं करते, अफसर भी उन्होंने वेखते रहेंगे ने, साढ़े सामने जुए खेलते हैं, सामने ही उत्थे जाके शराबा उन्होंने पीतियां होंगे, उन्होंने गल कौन करे, सवेरे सवेरे वो शराबा पी लेंगे ने, तो काम नहीं करते, अज इस गलू 3 महीने हो गए हैं, तो गली सारी खराब पई है, इन्ना मच्छर आ, सारे गली वाले कट्ठे हो गए, इन्हों का छापा कर चुके हैं, पर इन्हों जान जू नहीं सरकती, तो मैं बहुत बेनती करता है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਬਸ ਸੀਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਲਾਉਣਾ ਬੁਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੰਘਣਾ ਬੁਰਾ। ਬਹੁਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਸੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਬਸ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ।